वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानती हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च अप्रेंटिसशिप पर मैंने आपके लिए डिटेल वाली वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दी थी कि फॉर्म का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है, और उसमें मैंने आपसे बोला था कि आज मॉर्निंग तक आपको फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। बट ड्यू टू सम रीज़न मैं मॉर्निंग में आपके लिए जो है वीडियो को अपडेट नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए यार। लेकिन अब जो है मैं वीडियो आपको अपडेट कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर फॉर्म की वीडियो कब आएगी, तो फॉर्म की वीडियो आ गई है, जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने पूरा क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है कैसे फॉर्म को फिल करना है। बता दूँ, इसका फॉर्म जो है ऑल ओवर इंडिया से आप फिल कर सकते हैं, कोई सा भी स्टेट हो आप फिल कीजिए इसका फॉर्म। बाद में डिसाइड करना कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या नहीं करना। और एक और बात बता दूँ, इसमें जो पोस्टिंग है आपकी कलपक्कम में होगी। आपको पता ही है तमिलनाडु का एक छोटा सा एरिया, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो बच्चे इस फॉर्म की वीडियो को देख रहे हैं लेकिन डिटेल वाली वीडियो नहीं देख पाए, तो डिटेल वाली वीडियो आई बटन पर लगा के दे रखिए। आप जाकर फॉर्म को जो है तभी फिल करें जब आप जो है डिटेल वाली वीडियो देख लें। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो अच्छी बात है, आप फॉर्म की वीडियो को ध्यान से देखें ताकि फॉर्म फिल करते टाइम दिक्कत ना हो। और आपको बता दूं, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं। 15 मिनट में ही आपको सारी चीज़ें करनी होगी। तो पहले अच्छे से ये देख लें कि किस कॉलम में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से अटैच नहीं करना है, सिंपल आपको डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया, जहां पर मैं छोटी से छोटी अपडेट आपको देता रहता हूं। तो ये इंटरफेस ओपन होने के बाद क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही आपको जो है इस तरीके का यहां पर एक इंटरफेस दिखेगा। यहां पर ये बोल रहा है कि आप जो है इसका फॉर्म क्रोम में भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है फायरफॉक्स वर्जन में भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो वर्जन है 30+ होना चाहिए दोनों का, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो आपका फायरफॉक्स हो। ये अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी, आप देख लेना उस चीज़ को। वैसे कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगा अगर आप नॉर्मल क्रोम से भी फिल करेंगे, ये मैंने चेक कर लिया है। बाकी ये इंटरफेस आते ही आप क्लिक हेयर टू स्टार्ट दी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ही एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा, और कोई भी साइबर कैफ़े वाले के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप फॉर्म अपना जो है फ़ोन से ही फिल कर लेना, कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच नहीं करने पड़ रहे हैं। तो फ़ोन से ही फिल करो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि साइबर कैफ़े के पास जाके आप 50 रुपये या 100 रुपये उसे दें, ठीक है। ये आप चीज़ों को खुद भी करना सीखें, मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखी है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करते आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिलेक्ट आपका पोस्ट और ये सिलेक्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो है सिलेक्ट ट्रेड आपको करनी है। सिलेक्ट ट्रेड आप देख लेना, गलत मत कर देना, फिटर इलेक्ट्रिशियन वेल्डर, कौन सी आप ट्रेड चूज कर रहे हैं, कौन सी आपकी ट्रेड थी अकॉर्डिंगली आप देख लेना, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर आपकी डिटेल्स है जो आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगी आप कैपिटल में ही देखेंगे, चाहे आप स्मॉल में लिखे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में। यहाँ पर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली आएगी। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल का नंबर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिला था। और आपको बता दूँ, SCVT वाले बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही है। वो जो है उनका जो पोर्टल है वो है NCVT MIS, ठीक है। तो आप जो एक नॉर्मल कैंडिडेट विदाउट ITI बनकर जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ओनली सिर्फ SCVT वालों के लिए, बाकी ये जो फॉर्म है ये NCVT वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, मुझे पता है यहाँ पर। बाकी जो SCVT वाले हैं उनको थोड़ा सा कम चांस दिया जाएगा। लास्ट ईयर जैसे हुआ था, मैं देखो भाई जो भी फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, अपनी मदर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मदर का, यहाँ पर फादर का, उसके बाद DOB, ये सारी डिटेल्स जो है मैंने ऊपर आई बटन वाली वीडियो में आपको बता रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीथिंग, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है इंटरव्यू बेसिस पर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया था, वैसे मैं ऊपर आई बटन पर कुछ इंग्लिश का आपको लगा के दे दूंगा, आप देख लेना। ये जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, क्या है आप। तो अनमैरिड हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि सिंगल यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके बाद इसका नीचे का ही पार्ट है, ये तीन पार्ट आपको कवर करने, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे, जनरल OBC SC ST। तो उसके बाद जो है यहाँ पर, वैसे इनको कैटेगरी लिखना चाहिए था बट इन्होंने कास्ट यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद
यहाँ पर जो है आप फिजिकली हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप जो है इसे नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो और भी डिटेल्स आपसे मांगेगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी कॉलम नहीं है। उसके बाद एड्रेस जो है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो आपका एड्रेस परमानेंट है वहीं यहाँ पर सेम एज जो है आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर देंगे। तो अगर आपका सेम नहीं है तो इस पर क्लिक ना करके आप अलग से डिटेल्स को फिल कर लेना, और आधार कार्ड आप फिल कर देना अगर आपके पास है, नहीं है तो वो बाद की बात है, लेकिन फिर डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा तो पहले ही फिल करके चलना। नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए वरना इस तरीके का एरर दिखा देगा, ठीक है। मेल आईडी मैच नहीं होती कभी कभी, तो एक आपको अपने ये दोनों जो है मैनुअली फिल करने पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना, यार मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो भी डिटेल्स है फर्दर वो आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एसएमएस या फिर मेल के द्वारा दी जाएगी, ये आपको देखना। अगर आप फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं जो 011 से स्टार्ट होता है तो ये आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है, जो लैंडलाइन के नंबर्स होते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 12th की डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 10th की देना कंपलसरी है। यहाँ पर हमने बोर्ड लिखा CBSE, आप जिस बोर्ड से आपने किया, यूपी बोर्ड से किया, किससे किया, वो अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, मार्क्स कितने आए, कितने में से मिले और कितनी परसेंटेज बनी, ये परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैच कर लेगा। यहाँ पर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली आएगी जो आपने सिलेक्ट करी थी स्टार्टिंग में। ITI का आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, क्योंकि ITI का कोई बोर्ड नहीं होता, ना ही हम NCVT लिखेंगे ना ही SCVT लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड रखा है, या तो बोर्ड लिखो या इंस्टीट्यूट का नाम लिखो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2017 था, मार्क्स कितने मिले, 2000 मिले 2700 में से, ठीक है, तो परसेंटेज बनी 74.07। NCVT SCVT दोनों सेलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, अगर आप SCVT से तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ITI सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। अब ये मत बोलना ITI सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, आपको अपने सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, मैंने बहुत बार इस पर आपको चर्चा करके दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ रहे हैं हम 14th कॉलम पे, यहाँ पर इसे आप नो करेंगे, आप ऑलरेडी सर्विंग है गवर्नमेंट में या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद जब आप ये यस करेंगे तो ये कॉलम फिल करने के लिए बोलेगा, अगर नो ही करो आप इसको, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने की हुई है तो यस करें, यस करेंगे तो अप्रेंटिसशिप से बाहर हो जाएंगे इस वाली, तो नो ही करके चलें इसको। उसके बाद यहाँ पर ये 20 नंबर पे आपका जो है एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते तो यू कैन फिल ओवर हेयर, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, अगर आपको कैप्चा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप रिफ्रेश कोड करेंगे, रिफ्रेश इमेज करेंगे तो एक कैप्चा चेंज हो जाएगा, इजी वाला कैप्चा आप यहाँ पर डाल देना। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबमिट पे आप तभी क्लिक करना जब आपको लगे कि सारी डिटेल्स आपकी प्रॉपर है। एक बार फॉर्म को अच्छे से देख लेना, 7-8 मिनट में आपका फॉर्म भर जाएगा, मुझे पता है 15 मिनट दिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म को फिल करना। एक काउंट डाउन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा नीचे की साइड पर, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप फॉर्म को फिल करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए यार, फ्री फॉर्म के चक्कर में आप गलती कर दो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, वीडियो को लेट किया, क्योंकि मुझे कुछ डिटेल्स को कंफर्म करना था। आप सोच रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा, वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे लगते हैं मुझे, और मैं वीडियो आपको परसों भी दे देता, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू फ्यू कॉलम्स मुझे कन्फर्म करने थे, मेरे को वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करने पड़े। ऐसा नहीं करता मैं कि फॉर्म निकला और उसी टाइम वीडियो बना ली व्यूज़ पाने के लिए, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट आपको दिखाएगा कि सक्सेसफुली हो गया है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का आएगा, कोई भी फोटो आपको अलग से अटैच नहीं करनी है, जब आपको डिपार्टमेंट बुलाएगा यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर फोटो पेश करने की जरूरत है, और नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दिख जाएगा। ये इस तरीके से जो है आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी जो आपने फिल करी थी, और एक और बार बोल रहा हूँ, फॉर्म सभी सबमिट करें जब आपको लगे कि सारी डिटेल्स वेरीफाई है, तो ये जो आपने फिल किया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सिग्नेचर आपको यहाँ करने पड़ेंगे, फोटो आपको यहाँ पेश करने पड़ेगी जो दिखाएगा, 3 पेज का आपका जो है यहाँ पर ये प्रिंट आउट आएगा, बाकी हम देखते हैं कि आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है। डू यू डोंट नीड टू वरी, आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग जो भी आगे की अपडेट होगी। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दूसरे नंबर पर आप लोगों को मैं वहाँ पर छोटी से छोटी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्मॉल इन्फॉर्मेशन की तो यू कैन फॉलो। अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं, ताकि उन बच्चों को मैं सही से गाइड कर सकूँ एडमिशन के टाइम पर। और बाकी फॉर्म का लिंक पहले नंबर पर मैंने आपको दे दिया है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको लगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोज़ आप टाइम पर पा सकते हैं।